गेमिंग स्टोरीज के प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा गॉड ऑफ वॉर 1 और गॉड ऑफ वॉर 2 की स्टोरी, और आज हम देखेंगे गॉड ऑफ वॉर 3 की स्टोरी। गॉड ऑफ वॉर 3 बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहां पे गॉड ऑफ वॉर 2 एंड होता है। क्रेटोस अपने साथ पास्ट के टाइटंस यानी कि गाया और उसके साथियों को प्रेजेंट में ले आता है ज्यूस से बदला लेने के लिए। ऊपर माउंट ओलिम्पस से ज्यूस क्रेटोस को आता हुआ देख लेता है और अपने साथ के गॉड्स को नीचे भेज देता है क्रेटोस को रोकने के लिए। सबसे पहले जाता है हीलियोस, उसके बाद आता है हर्मीस, हेडीज, फिर लास्ट में अपनी आर्मी के साथ हरक्यूलीस, और यहां पे होती है एंट्री हमारे हीरो क्रेटोस की। क्रेटोस यहाँ पे छोटे मोटे एनिमीज से लड़ता है, फिर ज्यूस यहाँ पे अपना एक और चेला बेचता है, पोसाइडन। पोसाइडन गॉड ऑफ सी है और ये इकलौता ऐसा विलेन है किसी भी गेम का जो सुपर हीरो एंट्री लेता है। और फिर पोसाइडन अपने जाइंट फॉर्म में आ जाता है, फिर क्रेटोस उससे लड़ता है और फिर क्रेटोस पोसाइडन के वीकर फॉर्म को बाहर निकाल के उसे मारता है और पोसाइडन पे पंचेस की बरसात कर देता है और फाइनली उसे मार देता है। उसके बाद गाया और क्रेटोस पहुंचते हैं ज्यूस के पास। यहाँ पे क्रेटोस और ज्यूस के बीच में काफी डायलॉग एक्सचेंज होते हैं। क्रेटोस यहाँ पे बोलता है, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। क्रेटोस और गाया को देख के ज्यूस बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बहुत ही माइटी ब्लास्ट लाइटनिंग का गाया के हाथ पे मार देता है, जिससे गाया और क्रेटोस नीचे गिरने लगते हैं। क्रेटोस ब्लेड ऑफ ओलिम्पस गाया के पीठ पे मार देता है और गिरने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो वहां टिक नहीं पाता है और गाया से हेल्प मांगता है। यहाँ पे गाया अपना असली रंग दिखाती है और क्रेटोस की मदद करने से मना कर देती है और आगे उसे बताती है कि वो बस एक जरिया था टाइटंस को फ्यूचर में लाने के लिए, और गाया फिर क्रेटोस को मरने के लिए छोड़ देती है। क्रेटोस नीचे रिवर स्टिक्स में गिर जाता है, फिर वहां से क्रेटोस रेल्म ऑफ हेडीज में पहुंचता है। बेचारा क्रेटोस एक बार फिर अपने आप को बिना हथियार के अंडरवर्ल्ड में कैद पाता है। वहां पे वो अथीना के स्प्रिट से मिलता है। वहां पे अथीना क्रेटोस को बताती है कि वो ज्यूस के बारे में गलत थी और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए क्रेटोस को ओलिम्पस ज्यूस से छीनना होगा, ज्यूस को डिफीट करके, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्लेम ऑफ ओलिम्पस को बुझाना होगा। और अथीना क्रेटोस को नए ब्लेड्स भी दे देती है, ब्लेड्स ऑफ एक्साइल। वहां से निकलने के बाद क्रेटोस हेडीस से लड़ता है, Your soul is mine, जो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है, और फिर उसी की ब्लेड से उसको मारकर उसकी सोल्स को ब्लेड में कैद कर लेता है। फिर क्रेटोस अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल जाता है। बाहर फिर से उसे गाया मिलती है और क्रेटोस गाया को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ एक टाइटन हीलियोस से लड़ता है और उसे कहीं पे फेंक देता है। फिर क्रेटोस हीलियोस तक पहुंच जाता है और उसे मार देता है। फिर आगे क्रेटोस हर्मीस से लड़ता है और उसे भी मार देता है। फिर फाइनली क्रेटोस फ्लेम्स ऑफ ओलिम्पस तक पहुंच जाता है और फिर क्रेटोस वहां पे पेंडोरास बॉक्स को देखता है। अथीना क्रेटोस को बताती है कि ये वही पेंडोरास बॉक्स है जो तुमने एरिस को मारने के लिए खोला था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि ज्यूस ने लालच, डर, नफरत जैसी एविल पावर्स भी इसमें कैद करवा दी थी। और ज्यूस ने जब एरिस के अगेंस्ट क्रेटोस की विक्ट्री देखी तो ज्यूस डर गया, इसलिए उसने गॉड ऑफ वॉर 2 में क्रेटोस को मारना चाहा। फिर अथीना उसे बताती है कि पेंडोरास बॉक्स की असली पावर अभी भी यहीं पे है, लेकिन वो फ्लेम्स ऑफ ओलिम्पस के पीछे है, सो क्रेटोस को पहले फ्लेम्स ऑफ ओलिम्पस को बुझाना होगा। और इस फ्लेम्स को बुझाने के लिए क्रेटोस को एक की चाहिए जिसका नाम पेंडोरा है। हेलो ब्रदर। फिर आगे क्रेटोस हरक्यूलीस से लड़ता है और उसे मार देता है। फिर क्रेटोस हिफाइस्टस के पास पहुंचता है। हिफाइस्टस ने ही फ्लेम्स को और उसकी की को बनाया है। हिफाइस्टस क्रेटोस को बताता है कि की ने अब एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया है और हिफाइस्टस फिर उसे बेटी मानने लगा। और फिर जब ज्यूस पेंडोरास बॉक्स को किसी सेफ जगह छुपाने के लिए लेने आया, तब हिफाइस्टस ने उसे बताया कि वो ऑलरेडी पेंडोरास बॉक्स को छुपा चुका है क्रोनोस के पीठ पे, और ये झूठ बोला कि वो सेफेस्ट जगह है। हिफाइस्टस पेंडोरा का खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने ये झूठ बोला, क्योंकि फ्लेम्स ऑफ ओलिम्पस को खोलने के लिए पेंडोरा को मरना होगा। फिर आगे हिफाइस्टस क्रेटोस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
उसे एक वेपन देके, उस वेपन के लिए उसको ऑम्फेलस स्टोन चाहिए। उस स्टोन को लाने के लिए क्रेटोस को एक लोकेशन पे भेजता है। लोकेशन पे उसे क्रोनोस मिल जाता है और उसकी क्रोनोस से लड़ाई होने लगती है। फिर वो क्रोनोस को मार देता है। और फिर वहां से स्टोन लेके वापस आ जाता है। फिरफिस्टस स्टोन से वेपन बनाने के बाद क्रेटोस को बताता है कि उसने क्रेटोस को उसकी मौत के पास भेजा था। और फिस्टस क्रेटोस को मारने लगता है और आगे सबको पता है क्या होगा। क्रेटोस से जो पंगा लिया वो तो समझो मरा, मतलब क्रेटोस फिस्टस को भी मार देता है। फिर क्रेटोस थोड़ी और रिसर्च करता है और पेंडोरा तक पहुंच जाता है। और फिर क्रेटोस एंड पेंडोरा फ्लेम्स के पास जाते हैं और फिर पेंडोरा फ्लेम्स तक जाती है फ्लेम्स को बुझाने के लिए, लेकिन क्रेटोस उसे रोक लेता है क्योंकि अब क्रेटोस को उसके अंदर उसकी बेटी दिखती है। फिर पेंडोरा उसे बताती है कि मैं इसीलिए बनी हूँ। और फिर वो फ्लेम्स तक बढ़ती है कि तभी इस गेम की खलनायक की एंट्री होती है। ज्यूस वहां पे पहुंच जाता है और पेंडोरा को मारने लगता है, जिसे देख के क्रेटोस और भी गुस्सा हो जाता है। फिर ज्यूस पेंडोरा को दूसरी तरफ फेंक देता है और इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक ड्यूल शुरू हो जाता है। फाइट के बीच में ही पेंडोरा फ्लेम तक जाने लगती है फ्लेम्स को बुझाने के लिए। क्रेटोस तभी उसे रोक लेता है। फिर क्रेटोस को ये चूज करना रहता है कि वो पेंडोरा को बचाए या फिर अपना रिवेंज पूरा करे। क्रेटोस अपना बदला चूज करता है और दूसरी तरफ पेंडोरा फ्लेम्स को बुझा देती है। फाइनली क्रेटोस पेंडोरास बॉक्स को खोलने वाला रहता है। पेंडोरास बॉक्स खाली रहता है। फिर क्रेटोस फिर ज्यूस से लड़ने जाता है कि तभी वहां पे गाया आ जाती है और गाया इन दोनों को मार देना चाहती है और ये दोनों गाया के अंदर गिर जाते हैं और क्रेटोस गाया के दिल के साथ ज्यूस को भी मार देता है। लेकिन ज्यूस तब भी नहीं मरता है और अपने स्प्रिट फॉर्म में वापस आके क्रेटोस से लड़ता है। और ज्यूस जब क्रेटोस को ओवरपावर कर लेता है तब क्रेटोस के दिमाग में कुछ इल्यूजन्स होते हैं, जहां वो अपनी फैमिली और पेंडोरा से मिलता है। उसकी वाइफ उसे पावर ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में बताती है और पेंडोरा उसे पावर ऑफ होप के बारे में बताती है। फिर क्रेटोस वापस नॉर्मल हो जाता है और अपने अंदर के पावर ऑफ होप से इस बार क्रेटोस ज्यूस को ओवरपावर कर लेता है और फाइनली अपना रिवेंज यहाँ पे पूरा कर लेता है। फिर वहां पे अथीना आ जाती है और पेंडोरास बॉक्स की पावर्स को अपना बताती है और क्योंकि क्रेटोस का बदला पूरा हो चुका है तो वो अपनी पावर्स को वापस मांगती है, जिसपे क्रेटोस बताता है कि बॉक्स तो खाली था, लेकिन अथीना बताती है कि वो उसकी पावर्स को क्रेटोस की आंखों में देख सकती है। फिर आगे अथीना बताती है कि पेंडोरास बॉक्स में एविल्स पावर्स के साथ उसने अपनी पावर पावर ऑफ होप भी डाल दिया था। क्रेटोस फिर से बताता है कि बॉक्स तो खाली था। दोबारा बताने पे अथीना समझ जाती है कि क्रेटोस ने जब पहली बार पेंडोरास बॉक्स को खोला था तब उसने एविल पावर से नहीं बल्कि पावर ऑफ होप से एरिस को हराया था और जो एविल्स पावर थी वो बॉक्स से रिलीज हो गई थी और बाकी के गॉड्स को इन्फेक्ट कर दी थी, इसीलिए सारे गॉड्स का बिहेवियर बदल गया था और ज्यूस भी इतना क्रूएल इसीलिए हो गया था। और क्रेटोस के अंदर पावर ऑफ होप तो बहुत दिनों से थी, लेकिन वो क्रेटोस के बुरी यादों के नीचे दबी हुई थी। और जब उसकी वाइफ ने पावर ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में बताया तो उसने अपनी बुरी यादों को जाने दिया और पेंडोरा के पावर ऑफ होप के बारे में समझाने से वो उसे दोबारा से यूज कर पाया। और एक बार फिर अथीना उससे कहती है कि अब मेरी पावर मुझे वापस करो। लेकिन क्रेटोस ब्लेड ऑफ ओलंपस से अपने आप को ही मार लेता है और उसके अंदर की बची कुची पावर ऑफ होप को क्रेटोस मैनकाइंड को दे देता है। अथीना उसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। फिर कुछ देर बाद कैमरा दोबारा से वहां पे आता है और क्रेटोस के ब्लड्स समुद्र तक जाते हुए दिखते हैं और क्रेटोस में भी यहां पे सरवाइव कर जाता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें इसे अपने गेमिंग बडी के साथ। नीचे कमेंट में बताएं कि इसकी स्टोरी आपको कैसी लगी।